हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल पर स्वागत है। अभी मैं उमानंद टेम्पल पर जाने वाला हूँ। वो एक आइलैंड है, उस आइलैंड को पीकॉक नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं गवर्नमेंट जहाज से जाने वाला हूँ। दोस्तों नीचे की तरफ बहुत सारे प्राइवेट जहाज है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 200-300 लगेगा। दोस्तों जहाज तक पहुँचने के लिए कुछ इस तरीके से जाना पड़ता है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने एक छोटा सा ब्रिज है। दोस्तों मैंने पहले बार जहाज पे ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, और आज फर्स्ट टाइम जहाज की जर्नी भी होगा मेरा। दोस्तों यहाँ पर इतना लाइन लगे हुआ है टिकट के लिए, और मैंने भी लाइन पर लग गया। यहाँ पर पर्सन 20 रुपीज लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट मारकर देख सकते हो। तो दोस्तों मैंने टिकट ले लिया। दोस्तों ये लोग अभी उमानंद टेम्पल पर जाकर आ रहा है। तो दोस्तों ये है जहाज जो उमानंद टेम्पल पर जाने वाला है अभी, और जहाज का नजारा कुछ इस तरीके से है। अभी इतना भीड़ नहीं है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। और ये ऊपर ड्राइवर रहती है, और सॉरी नेवी। चलो दोस्तों जहाज के अंदर घुस कर देखती हूँ कैसा है। दोस्तों ये है अंदर तक जाने वाला दरवाजा, और यहाँ पर बैठने के लिए भी सुविधा है, और यहाँ पर तो इतना भीड़ लगे हुआ है। अच्छी बात है, यहाँ पर 20 रुपीज में भी आप लोग बैठकर जा सकते हो। आपकी मर्जी, यहाँ पर खड़ा होकर भी आप लोग जा सकते हो। और आगे की साइड तो देख लिया, अभी मैं पीछे की तरफ जाकर देखता हूँ कैसा है। दोस्तों पीछे की नजारा कुछ इस तरीके से है। दोस्तों पीछे की नजारा भी कुछ कम नहीं है, कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मेरा हिसाब से ये पुराना जहाज है। तो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ, तो फिर ऐसे ही देखते रहिए। और क्या क्या करते हुए मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाती हूँ। एक आइलैंड था वहाँ पर, देख सकते हो। इस आइलैंड पर ही जाने वाला हूँ मैं अभी। इस आइलैंड का नाम है उमानंद टेम्पल, और अंग्रेजी लोगों ने इस आइलैंड का पीकॉक आइलैंड नाम रखा था। अभी ये जहाज चल नहीं रहा है, किनारे पे है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर पानी को देखकर ये कितना गहरा होगा। किनारे पे ही इतना गहरा है, और बीच में कितना गहरा होगा। तो मैं पीछे जहाज के पीछे में आ गया, और अकेला बैठ रहा हूँ अभी यहाँ पर। अकेला बैठ रहा हूँ, अकेला कुछ फीलिंग सी अलग सी मजा आ रहा है यार। इतना बड़ा सा ब्रह्मपुत्र की किनारे पे अकेला, कुछ अलग ही मजा आ रहा है यार। वहाँ पर एक रोपवे था, आप लोगों के मेरे पे शायद नजर नहीं आ रहा है। वहाँ पर रोपवे पे मैं एक ब्लॉग बनाया था, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शायद अभी जाने वाले हैं। दोस्तों अभी ये जा रहा है। दोस्तों इस फेरी की खिड़की से देखो यार कितना भीड़ है। कुछ लोग अंदर में बैठ रहा है, और कुछ लोग बाहर में खड़े हैं। और बाहर में कितना लोग है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक्सक्यूज मी, दोस्तों बाहर में इतना भीड़ नहीं है, क्योंकि बाहर में इतना बड़ा जगह है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ की नजारा कुछ इस तरीके से है। दोस्तों आज का दिन मेरे साथ दे रहा है, क्योंकि आज धूप नहीं है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गया उमानंद पे। अभी हम लोगों को उतरना है जहाज से। तो दोस्तों सभी लोग बाहर निकल गया। सो यहाँ का सीट इस तरीके से है। यहाँ पर इमरजेंसी के लिए लाइफ जैकेट भी है, और ये ऊपर की तरफ पायलट है, सॉरी नेवी है। दोस्तों
दोस्तों, और यहाँ पर एक जहाज आ रहा है। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर ये प्राइवेट जहाज है, नीचे से आ रहा है ऊपर तक। ये प्राइवेट जहाज है और हम लोग गवर्नमेंट के जहाज पे आया 20 रुपीज में। वो लोग शायद 200-300 लेकर के आए हैं। तो मैंने फाइनली एंट्री कर लिया गेट पे। ओह, इधर से जाऊंगा मैं। ओह, सब लोग इधर से जा रहे हैं। अबे दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना भीड़ है। आज इतना भीड़ है या फिर दिल्ली से भीड़ होता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना लोग है, कितना भीड़ है। अरे यार दोस्तों, ये पहला मंदिर है। पहला मंदिर तो पहुंच गया और ऊपर जाने का बाकी है, और थोड़ा सा आने के बाद ऐसे फूल की थाली देखने के लिए मिल जाएगा। 20-30 रुपया आपकी थाली के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पर जूता रख दिया, पर चले यहाँ पर जूता रख दिया। वाओ, इस खूबसूरत सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा अभी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यहाँ का नजारा कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर आप लोगों को एक मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर दर्शन करने के लिए एक लंबा सा लाइन लगी हुई है। पर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए तो इस लाल रंग की मंदिर को देखने के लिए मिल जाएगा। महाकाल शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस महाकाल शिव मंदिर का निर्माण 1820 में हुआ था। इस मंदिर के अंदर भी शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर को बद्रीनाथ नाम से जाना जाता है, यहाँ भी शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर में कैमरा करने के लिए मना है। इतिहास बताता है कि अहोम राजा गदाधर सिंह ने इस मंदिर को बनाया था। भूकंप के दौरान मूल मंदिर सत्याग्रस्त हुआ था, बाद में एक व्यापारी ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, यहाँ पर कैमरा अलग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर निकल जा रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर तरफ आप लोगों को दिखाती हूँ। सो बाहर का कुछ इस तरह से नजर है। तो अभी यहाँ से भी निकल चुका हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कुछ दुकान वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। दर्शन करने के बाद आप लोगों को भूख लगे तो यहाँ पर खाने के लिए भी आ सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दाम होगा। चाय एक कप 15 रुपीज में पीना पड़ेगा आप लोगों को। दाम तो होगा ही, क्योंकि ये एक आइलैंड का दुकान है। यहाँ इस आइलैंड का दुकान में थोड़ा सा दाम है, लेकिन खाना तो अच्छा है, क्योंकि ये आइलैंड है ना, इसलिए थोड़ा सा दाम है। और यहाँ पर एक मंदिर है। दोस्तों, ये रोपवे का वीडियो शूट है। दोस्तों, और एक बात, उमानंदा के मतलब एक भगवान की ही नाम है। उमा का मतलब माँ यानी कि पार्वती, और आनंद, आनंद एक भगवान शिव की ही नाम है। मेरा जानकारी से मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, अगर मेरे को कहीं पर गलती हो गई तो मेरे को माफ कर देना। दोस्तों, और ऊपर से कुछ इस तरीके से नजारा देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों को। दोस्तों, मैंने इस फेरी जहाज से ही आया था। इस मंदिर से नीलांचल पर्वत भी दिखाई देता है, जहाँ स्थित है माँ कामाख्या मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव यहाँ ध्यान कर रहे थे, तब माता पार्वती नीलांचल पर्वत में प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए इस मंदिर का नाम पा गया उमानंद। और इस पहाड़ी को भस्माचल से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने ध्यान कर रहे थे, तब ही कामदेव ने उनका ध्यान भंग किया था। भगवान शिव जी को गुस्सा आ गया और तीसरी आँख खुल दी और कामदेव ने भस्म हो गया।
दोस्तों मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से भी शॉर्टकट आ सकते हो। इस आइलैंड का नाम पीकॉक, पीकॉक आइलैंड से भी जाना जाता है। कितने के है? 20। हाँ, 26। कितने का है? 20 रुपये। 20 रुपया। हाँ, कितने का है? 30। लेगा जाए नारकोल कितने का है? 70 का है, 80 का है। 70 का है, 80 का है। ओ अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ से गेट से निकल चुके हैं, अभी यहाँ से जाऊंगा। अरे यार कब जाओगी मेरे को नहीं पता, अभी कब जाएगी यार, यार। ओ, ये प्राइवेट जहाज है क्या? ये प्राइवेट जहाज है ना? ओ नाइस, ये प्राइवेट जहाज है। Been a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. अरे यार फाइनली मैं निकल चुका हूँ जहाँ से।